अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सीटेट 5 जुलाई 2020 की परीक्षा कब होगी। जी हाँ दोस्तों, सभी छात्रों के मन में बस एक ही सवाल है आज की डेट में कि परीक्षा कब होगी। अब देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, आज से हमारा जुलाई का महीना शुरू हो रहा है और आज हमारी 1 तारीख हो चुकी है, ठीक है। तो क्या दोस्तों पेपर जुलाई में होगा, पहला सवाल आपका यही था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नहीं, जुलाई में तो फिलहाल आपका पेपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये पेपर दोस्तों आपका अगस्त में जा सकता है। देखिए एक बात और आपको बता दें, सीटेट के लिए नए आवेदन कब से लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सीटेट की परीक्षा आपको पता है कि जुलाई के बाद आपके दिसंबर में होती है, और दिसंबर वाला दोस्तों जो पेपर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा छात्र मतलब एक्टिव होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसका रीजन क्या है ना कि अभी दोस्तों देखिए डीएलएड का दोस्तों जो सेकेंड ईयर के बच्चे मतलब अब सेकेंड ईयर में पहुंच चुके होंगे, तो अब दोस्तों डीएलएड के सेकेंड ईयर को बच्चों को मौका मिलता है। जैसे साल में 2 बार पेपर होता है, तो कुछ बच्चों का सेशन फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड चलता है, थर्ड सेमेस्टर में आने के बाद ही दोस्तों मतलब सबको मौका मिलता है सीटेट के लिए। देखिए यहाँ बच्चे, आप डीएलएड के छात्र हो चाहे दोस्तों आप बीएड के छात्र हो, आपको मौका दोनों में सीटेट का मौका मिलता है। लेकिन अब दोस्तों हुआ क्या कि ना तो डीएलएड का पेपर हो पा रहा है ना तो बीएड का हो पा रहा है, उसके चलते दोस्तों देखिए सीटेट की भी परीक्षा आपको पता है यहाँ पर फिलहाल स्थगित हो चुकी है। ये देखिए आपका दोस्तों जो सीटेट की तरफ से ऑफिशियल पब्लिक नोटिस आया था यहाँ पर ये है। तो फिलहाल दोस्तों आपका पेपर 5 को नहीं होगा, काफी बच्चों के मन में कंफ्यूजन चल रही कि पेपर हो तो नहीं जाएगा। देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, 31 जुलाई तक कोचिंग रहेंगे बंद। अब देखिए अगर आपका कोचिंग सेंटर 31 जुलाई तक अनलॉक 2.0 दोस्तों फिलहाल चालू हो चुका है, लेकिन स्कूल और कोचिंग सेंटर को अभी भी बंद रखा गया है, स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर। देखिए चलिए ठीक है, स्कूल कॉलेज की हम बात मानते हैं बंद रह सकता है, लेकिन कोचिंग बंद करना मतलब ये मान के चलिए दोस्तों अभी लॉकडाउन हमारा थोड़ा और लंबा खींच सकता है। लॉकडाउन का मतलब दोस्तों सिर्फ बच्चों के लिए खींचेगा जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी आपके देखोगे कंपनियां सब खुल चुकी हैं। तो अगला सवाल दोस्तों हमारा क्या था कि क्या परीक्षा अगस्त में हो सकती है, इसका आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे। पेपर की तैयारी कैसे करें, देखिए एक बात और आपको बता दें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का सहारा ले आप। सहारा आप इसलिए लेंगे कि आप ये जानिए कि पेपर आता कैसे है, और दोस्तों पिछले वर्ष के प्रश्नों को रटने की कोई जरूरत नहीं, काफी बच्चे उसको रटने में लग गए होंगे, चलो यार इसको पढ़ लेते ये क्वेश्चन फंसेगा पेपर में। तो दोस्तों ये सीटेट की परीक्षा है, कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो आप पिछले वर्ष के प्रश्नों को रटना छोड़कर नए प्रश्न याद करिए, ठीक है। एक भी दोस्तों पुराना प्रश्न मत पढ़िए खाली। हाँ इसलिए दोस्तों पिछले वर्ष के क्वेश्चन को बस आपको इसलिए देखना कि पेपर बनता कैसे, किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगर आप ये सोच के जाएंगे या नहीं चलो पिछले साल का 10 साल का मतलब जितना बार दोस्तों अभी तक सीटेट की परीक्षा हुई है सबको हम रट डालेंगे, तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान आपका ज्यादा होगा, ठीक है। एक बात और आपको बता दें, 2020 का अंतिम मौका हो सकता है। जी हाँ दोस्तों देखिए, जो इस बार सीटेट की परीक्षा हमारी 5 जुलाई को होने वाली थी, अगर दोस्तों इसका पेपर अगस्त में नहीं होकर सितंबर अक्टूबर तक चला गया, तो ये मान के चलिए दोस्तों 2020 में फिर सीटेट की परीक्षा दिसंबर में नहीं हो पाएगी। तो फिर सीटेट दोस्तों दिसंबर की परीक्षा को रद्द करके फिर अगले साल जुलाई में ही पेपर होगा सीटेट का। तो अभी से दोस्तों जो आपको समय दिया गया है, एक्स्ट्रा समय मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, तो इसमें आप अपनी मेहनत को डबल ट्रिपल करिए, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई बिल्कुल जीरो से शुरू करना है तो जीरो से कर सकते हैं, समय आपके पास दोस्तों पर्याप्त है। लेकिन हाँ ये मान के चलिएगा दोस्तों कि आपको इस साल का ये अंतिम मौका आपका हो सकता है, दिसंबर वाला परीक्षा होना मुश्किल होगा सीटेट का। एक और अपडेट दोस्तों हम देते हैं जो कोरोना वायरस की है, जरा इसको हम यहाँ समझेंगे इसका डेटा क्या रहा है इस समय। जरा देखिए दोस्तों 24 घंटे में 18,000 से अधिक नए मामले दर्ज होते हैं, 500 लोगों की जान गई है। तो मतलब दोस्तों कोरोना खत्म होने का नाम हमारे देश में नहीं ले रहा, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, और अब तक दोस्तों 5,85,000 मामले इंडिया में दोस्तों दर्ज हो चुके हैं, और दोस्तों कल की वीडियोस में आप देखेंगे 6 लाख को ये आंकड़ा टच करेगा। तो मतलब दोस्तों स्थिति अब कोरोना को लेकर हमारे देश में काफी गंभीर हो गई है, या दोस्तों हम कह सकते हैं कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है अब, ठीक है। 18,000 मामले आने का मतलब है कि इनसे संपर्क में कम से कम एक बंदे थे, एक व्यक्ति से दोस्तों अगर एक इंसान को भी कोरोना हुआ हो तो 18 दुनी 36,000 हम सीधे कह सकते हैं एक दिन में केस। तो उनकी दोस्तों टेस्टिंग 2-3 दिन बाद होगी, तो उनके भी केसेस आते जाएंगे यहाँ। तो ये दोस्तों बिल्कुल तेजी से बढ़ रहा है हमारे देश में। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों आज की डेट में देखिए, महीने भर में सरकारी आवास खाली करे प्रियंका गांधी सरकार का आदेश। जी हाँ दोस्तों नाम तो सुना ही होगा। उसके बाद एक और सबसे बड़ी अपडेट, चीनी ऐप टिकटॉक की तरफ से कोर्ट में पैरवी नहीं करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। जी हाँ दोस्तों आप एक बात देख रहे होंगे, आज दिन भर दोस्तों ये बातें वायरल हो रही, तो हमने सोचा आप तक भी पहुंचाई जाए। बार बार दोस्तों चीनी ऐप क्या कर रहा है कि जो हमारे देश के बड़े बड़े वकील हैं उनको दोस्तों सहारा लिया जा रहा है कि इसको दोस्तों मतलब इंडिया ही मतलब कोर्ट में दोस्तों इसको चुनौती दी जाएगी कि नहीं इसको बैन नहीं होना चाहिए।
तो सोचिए दोस्तों चीन की हिमाकत कितनी है। पहले तो दोस्तों आपको पता होगा बॉर्डर वाला पूरा मामला क्या हुआ था दोस्तों, हमारे देश के जवानों को पहले चीनी मारते हैं और उसके बाद दोस्तों सोचिए हिम्मत उनकी देखे कि चलिए ठीक है यहाँ कोर्ट में भी दोस्तों चैलेंज करने वाले हैं कि नहीं। टिकटॉक तो बढ़िया है, अगर दोस्तों बढ़िया है टिकटॉक तो आपको एक बात और बता दें, अगर आपको लगता नहीं है टिकटॉक में तो कुछ गलत एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो बस इतना कहेंगे दोस्तों अगर आप चीन सरकार के खिलाफ कोई भी वीडियोस बनाते हैं टिकटॉक पर तो उसको हटा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों फिर से सुन लीजिए, चीनी सरकार के खिलाफ अगर आप कोई भी वीडियो बनाएंगे तो उसको हटा दिया जाता है टिकटॉक से। लेकिन दोस्तों वही बात है, अगर आप व्हाट्सएप पर करेंगे चीनी सरकार के खिलाफ तो कोई दिक्कत नहीं, मैसेज जाएगा डिलीवर्ड होगा कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप पर क्यों नहीं हटाया जाता मैसेज दोस्तों, क्यों चला जाता है, क्योंकि दोस्तों व्हाट्सएप पर मतलब आपकी मतलब प्राइवेसी को खाली आपको ये समझना दोस्तों कि व्हाट्सएप पर जो आपके मैसेजेस जाते हैं चीन पर दोस्तों जो वीडियोस आप बनाते हैं मतलब टिकटॉक पर चीनी सरकार के खिलाफ, तो आप समझ रहे हैं कि वो मैसेज सेंसर नहीं होते, मतलब दोस्तों उसको कोई देखता नहीं पढ़ता नहीं है। लेकिन दोस्तों जब वही ऐप्स पर आप टिकटॉक पर बनाएंगे तो मतलब उस वीडियो को कोई ना कोई तो रीड कर रहा है ना, कोई ना कोई देख तो रहा है ना, कैसे दोस्तों वीडियो ब्लॉक हो जाती है। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि उस पर आपका डेटा कैसे सुरक्षित है, बस इसीलिए सरकार ने दोस्तों इन ऐप्स पर बैन लगाए। तो जितने भी दोस्तों ऐप्स बैन हुए ना तो उसमें से मैक्सिमम ऐप्स ऐसे हैं कि अगर आप उन पर चीनी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलते हैं तो वो आगे बातें बढ़ती ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों थी, तो काफ़ी लोगों को लग रहा नहीं यार चीनी ऐप है टिकटॉक अब ये चला जाएगा तो दोस्तों क्या होगा। देखिए हमारे देश के करोड़ों, जी हाँ दोस्तों करोड़ों लोगों का डेटा चोरी हो सकता था, हैक हो सकता था, आपकी पर्सनल वीडियोस लीक हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों आपको क्या लगता है, आपके मोबाइल फ़ोन में एक्सेस देते हैं ना तो आपके फ़ोन में जो भी आप वीडियोस रखते हैं कोई भी वीडियोस दोस्तों अगर आप जो रिकॉर्डिंग करते हैं कुछ भी मतलब सारा दोस्तों ऐप के कंट्रोल में होता है, जब भी चाहे तो दोस्तों आपके पूरी वीडियोस को अपने सर्वर पर उनका डेटा भेज सकते हैं, आपको पता तक नहीं चलेगा कि आखिर हुआ कैसे गए, कैसे लीक हो गई वीडियोस। ठीक है अब आपके मन में एक और सवाल था कि क्या नई शिक्षक भर्ती 2020 में आ सकती है, तो इसका दोस्तों जवाब हम जानेंगे। देखिए आपको बता दें 2020 में शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद देखिए अब काफ़ी कम है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आएगी नहीं, आ सकती है। आपको बता दें दोस्तों अगर आप शिक्षक भर्ती की KVS की मतलब तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आएगी CTET के थ्रू, तो हम आपको बताएं दोस्तों अगर आप यूपी के रहने वाले, ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश के छात्र हैं यूपी के, तो आप लोग CTET की तैयारी के साथ साथ दोस्तों SuperTET की तैयारी अब शुरू करिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही जल्दी मतलब अगले 1 से 2 साल के अंदर, अब आप कहेंगे ये जल्दी कहाँ हो गया, देखिए दोस्तों SuperTET का सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, अगर आज से ही आप उस पर लगेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। और यूपी में दोस्तों जो भी वैकेंसी आती है टीचर में शिक्षक भर्ती को लेकर तो ये छोटी मोटी नहीं आती। आपको हमने दोस्तों जैसा कि बताया कि सरकार ने खुद ही बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि 51,112 दोस्तों पद अभी भी शिक्षक भर्ती में खाली, मतलब प्राइमरी लेवल की हम बात कर रहे हैं जहां पर कक्षा 1 से लेकर 5 तक की दोस्तों जो वैकेंसी आती है उसमें दोस्तों 51,000 से अधिक पद खाली। तो मतलब साफ है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी ना कभी इन पदों पर भर्ती आएगी, तो मतलब आपको अभी से लग जाना है। देखिए क्या होता है जब देखिए इंडिया, यह इंडिया में अगर आप रहते तो एक बात अच्छे से समझते होंगे कि जब चुनाव आते हैं तभी दोस्तों भर्तियां आती हैं, तो आप लोग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि कब नई शिक्षक भर्ती आए, तो दोस्तों चुनाव का भी इंतजार आप करिए, चुनाव आने दीजिए दोस्तों, बड़ी बड़ी भर्तियाँ आपके सामने आएंगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों आप अभी से लग जाइएगा, नहीं तो होता क्या ना कि लास्ट टाइम आपकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी तो फिर दिक्कत में फंसेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस समय हम बस यही कहेंगे कि अगर आप 5 जुलाई वाले दोस्तों अगर आपने आवेदन कर दिया था तो अच्छी बात है, तैयारी आपकी 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लग जाइए मेहनत करिए। और प्रीवियस ईयर के दोस्तों अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो बस उसको आप एक आइडिया लीजिएगा उससे कि कैसा पेपर बन सकता है, उसके भरोसे मत जाइएगा। काफ़ी छात्र होते हैं क्या उसको रट्टा मार लेते हैं प्रीवियस ईयर के 2-4 साल के क्वेश्चन, बिल्कुल रट लेते हैं एक एक क्वेश्चन को दोस्तों, लेकिन उससे फायदा उनको नहीं मिलता क्योंकि क्वेश्चन मैच नहीं करते, मतलब रिपीट नहीं होते। होता क्या है छात्रों को लगता नहीं यार ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, 150 करके 210 CTET का पेपर उठा लेंगे तो 1,500 क्वेश्चन हो गए, और आपको लगेगा नहीं यार चलो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब दोस्तों आप गलतियाँ मत करिएगा, काफ़ी छात्र ये सब गलतियाँ कर जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों इस बार आपको फेल नहीं होना है, CTET का जो इस बार हर बार रिजल्ट जाता है वो काफ़ी कम जाता है दोस्तों, 25 से 35% बच्चे ही पास होते हैं CTET की परीक्षा में, तो इस बार दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये दोस्तों 75% तक बच्चे पास हों, क्योंकि इस बार आपको शायद दिसंबर में मौका ना मिले तो फिर आपका 1 साल बेकार हो जाएगा। तो फिर आप अपने समय को दोस्तों वैल्यू दीजिए, शुरू से पढ़ाई शुरू करिए अगर आपने पढ़ाई नहीं की थी, अगर आपकी पढ़ाई पूरी तो उसको रिवाइज करना मतलब रिवीजन शुरू कर दीजिए। और ठीक है दोस्तों जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको दे देंगे। फिलहाल दोस्तों परीक्षा की लेटेस्ट अपडेट्स में बस इतना ही है कि अभी आपका पेपर नहीं होने वाला। आपको एक बात और बता दें दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखेंगे दोस्तों इस समय आपने देखा होगा अभी CBSE में हाई स्कूल इंटर के छात्रों को प्रमोट करने की बात हुई थी, ठीक है, प्रमोट का मतलब दोस्तों वही था बिना पेपर को रद्द कराया गया और सभी बच्चों को पास कर दिया गया।
उसके बाद दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो बहुत से कॉलेजेस में क्या हो रहा है कि छात्रों को प्रमोट करने की मांग चल रही है कि मतलब प्रीवियस जो उन्होंने पहले मतलब पेपर दिया था उसी के बेस पर इंटरनल में 200 नंबरिंग जो भी होता है दोस्तों मतलब इंटरनल पेपर होते हैं ना आप लोगों के स्कूल कॉलेजेस में उसके आधार पर प्रमोट करने की मांग हो रही है दोस्तों। काफी हद तक चाहते थे कि सबको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो मतलब आपको बात क्या समझनी है कि अभी दोस्तों कोई पेपर होने की उम्मीद ही नहीं लग रही है। तो कुल मिला के इस समय दिल्ली मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और गुजरात की बात करें तो वहां पर भी सीटेट का पेपर होना है। तो कुल मिला के दोस्तों जब कोरोना के केसेस इतनी तेजी से फैल रहे हैं बढ़ रहे हैं तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना, तो पेपर जल्द होगा नहीं, तो जल्द नहीं होगा तो फिर समय लगेगा। तो अगर दोस्तों इन केस हम मान के चलते हैं कि अगर आपका पेपर अक्टूबर तक खिसक गया तो अक्टूबर में पेपर होगा तो अक्टूबर लास्ट तक दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा, तो फिर मतलब नवंबर उसके बाद दोस्तों फिर आवेदन ले पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सीटेट के लिए, क्योंकि यहाँ पूरी तैयारियां भी करनी पड़ती होंगी। ऐसा नहीं कि खाली चले ठीक है एक महीने में आवेदन लेके पूरा करें उसके बाद पेपर हो जाए, तो पूरी तैयारी शुरू से की जाती है। तो बातों को समझिए और आप लोग पढ़ाई शुरू से अच्छे से करिए ताकि आपका रिजल्ट खराब ना हो। और इस बार दोस्तों आप फेल मत होइएगा, हर बार होते हैं ठीक है क्योंकि साल में दो मौके मिलते थे, इस बार एक मौका मिलेगा तो अच्छे से लग जाइए। क्योंकि दोस्तों इस समय जितने भी पेपर हैं आप हर जगह सुन रहे होंगे, आपके भी राज्य में हो सकता है कि पेपर कैंसिल हो रहे हो, तो उसको समझिए। पेपर रद्द होने का मतलब यही होता है दोस्तों कि अगले कुछ दिनों में अगर पेपर कराया जा सकता है तो परीक्षा रद्द नहीं की जाती, तो मतलब सरकार को ये बात अच्छे से पता है कि अभी जल्द में पेपर नहीं हो पाएगा, इसलिए सभी बच्चों को पेपर रद्द करके अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जा रहा है। और सीटेट में दिक्कत क्या है दोस्तों, बहुत से ऐसे छात्र हैं जैसे मान लेते हैं आप दिल्ली में रहने वाले, ठीक है मान ठीक है मतलब दोस्तों दिल्ली में रहने वाले क्या, अगर आपने दिल्ली से कोचिंग करके तैयारी की है, आप रहने वाले दोस्तों मान लेते हैं उत्तर प्रदेश के निवासी है या बिहार से, ठीक है आप गए होंगे दिल्ली तैयारी करने, उसके बाद अपने घर लौटे और आपने दोस्तों सेंटर दिल्ली ही डाला हो तो क्या होगा, पेपर कैसे देंगे आप? तो ये सब देखिए दिक्कतें आएंगी पेपर में। तो जब तक दोस्तों आपका यातायात ट्रेन अच्छे से नहीं चलने लगेगी तब तक समझ के चलिए पेपर वेपर नहीं हो पाएगा। वैसे बस अब हर जगह चल रहा है लेकिन ट्रेन अभी आपने देखा होगा कि कम चल रही है दोस्तों, सारी ट्रेनें तो नहीं चल रही लेकिन धीरे धीरे करके सारी ट्रेनें चलाई जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और फिलहाल दोस्तों सीटेट की तैयारी आप लोग अच्छे से करिए और जो आपकी दोस्तों 5 जुलाई को परीक्षा स्थगित हुई है उसका जो पेपर होगा वो अक्टूबर तक आपका जा सकता है, ठीक है अभी कंफर्म नहीं है कुछ लेकिन अक्टूबर तक एक उम्मीद है कि जा सकता है। क्योंकि देखिए जुलाई में अगर पेपर सारे पेपर जितने होने वाले थे सबको रद्द किया जा रहा है, तो जुलाई में दोस्तों अगर आप समझ रहे हैं कि अगस्त की स्टार्टिंग में ही अगर आपका पेपर हो सकता होता तो अगस्त में ही करा के रद्द क्यों किया जाता, डेट आ जाती, तो अक्टूबर दोस्तों काफी दूर की बात हम लोग सोच रहे हैं लेकिन अक्टूबर तक जा सकता है। तो फिलहाल आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू करिए और जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको देंगे। अगर दोस्तों आपका पेपर जुलाई में ही होगा तो भी अपडेट देंगे लेकिन जुलाई में उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर है। और दोस्तों हो सकता है कि हमारे देश में जुलाई में ही दोस्तों जुलाई के बीतते बीतते ये दो केसेस है 585,000 ये 210 लाख को पार हो सकता है। जी हाँ दोस्तों 10 लाख कोरोना पॉजिटिव हमारे देश में हो सकते हैं जुलाई महीने में ही कंप्लीट होने में। तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।